हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। भाई आपका भाई आ चुका है इस वक्त माता वैष्णो देवी कटरा में। मैं इस वक्त हूँ भाई माता वैष्णो देवी के जो कटरा में बस स्टैंड है वहाँ पे। तो भाई आज मैं करने वाला हूँ माता वैष्णो देवी की जर्नी स्टार्ट, मतलब चढ़ाई। तो मैं इस वीडियो में आपको सब कुछ बताऊँगा कि RFID कार्ड कैसे बनाएंगे, आपका पहला पड़ाव कौन सा होगा, कहाँ पर आपको रुकना है, पोनीज का कितना किराया है, होटल्स का कितना किराया है, तो सब कुछ आपको बताऊँगा A1 वीडियो में। फिलहाल हम जा रहे हैं भाई अपना पंजीकरण, मतलब अपना रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए यहाँ पे। तो चलते हैं भाई अंदर, अपना RFID कार्ड बनाते हैं और आपको भी बताते हैं कैसे बनता है कैसे नहीं। सो भाई अपन आ चुके हैं अंदर जहाँ पे हमारा RFID कार्ड बनता है। तो ऐसे करके जगह है वहाँ पे, मैं भी पता करूँ क्योंकि मैं भी काफ़ी टाइम के बाद आया हूँ। तो भाई RFID कार्ड बन चुका है हमारा। तो भाई RFID कार्ड का ये चक्कर है भाई, जब हम वापस आते हैं यात्रा से तो इसे वापस भी करवाना पड़ता है। अगर हम इसे वापस ना करवाएं तो हमें 100 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे। इसलिए भाई अपना RFID का कार्ड जो है संभाल के रखिएगा, वापस आते वक्त जमा करवाइएगा। अगर नहीं करवाओगे तो आपको 100 रुपीज़ देने पड़ेंगे। तो गाइस ये है हमारा यात्रा स्टार्ट होने का पॉइंट। यहाँ से भाई जब अंदर आप एंट्री करोगे, आपकी चेकिंग वैकिंग हो जाएगी, तो यहाँ से भाई हमारी यात्रा स्टार्ट हो जाती है। ये है भाई हमारा यात्रा स्टार्ट होने का पॉइंट। यहाँ से अभी हम अंदर जाएंगे और हमारी यात्रा का आरंभ हो जाएगा। और भाई सूरज ढलना शुरू हो चुकी है, थोड़ी थोड़ी ठंड होना भी शुरू हो चुकी है, बट चलो कोई बात नहीं, हम जाने वाले हैं इसी रास्ते से। वैसे भाई यात्रा का मज़ा इसलिए भी आने वाला है बिकॉज ऑफ यात्रा में कोई भी नहीं, आप सोच सकते हो। मैं यहाँ पे अकेले चल रहा हूँ ज़्यादा से ज़्यादा। पर पॉइंट यहाँ पे मुझे जो यात्रु मिल रहे हैं वो, मतलब पर स्क्वायर में मैं बोलूँ मुझे 2 से 3 यात्रु, तो काफ़ी मज़ा आ जाएगा। मतलब खुले डुले होके जाएंगे, ज़्यादा रश नहीं होगा, एकदम मज़ा आने वाला है। सो भाई यात्रा हो चुकी है शुरू, बट एक प्रॉब्लम आ चुकी है, बोल रहे हैं कैमरा नहीं ले जाने देंगे अंदर। तो अभी मुझे लॉकर रूम ढूँढना है, कैमरा जमा करवाना। कैमरा तो मैं लेके जाऊंगा, चाहे ऊपर छोड़ूँ चाहे भी छोड़ूँ, बट लेके जाऊंगा साथ में, ठीक है ना। तो अभी आ चुके हैं हम गुलशन कुमार जी के लंगर के पास। ये वो जगह है जहाँ पे अंदर लंगर लगता है। अगर आप वैष्णो देवी आ रहे हो तो भाई ये लंगर वाली जगह मिस मत करना। ये देखो अभी शायद बंद है। सो गाइस जब मैं यहाँ पे पहुँचा तो मैंने देखा कि भाई लंगर तो है ही नहीं। भाई मेरी किस्मत में लंगर नहीं था भाई, अगर मैं सोच के, पहली बार मेरे साथ ऐसा हुआ था कि मेरी किस्मत में लंगर नहीं था। बट मैंने बुरा ना मानते हुए मैं आगे की चढ़ाई शुरू करने लगता हूँ। और भाई चलो कोई बात नहीं, आते वक्त कोशिश करेंगे कि हमें ये लंगर मिल जाए, बट नहीं मिले तब भी कोई बात नहीं, मिल गया तब भी अच्छा, ना मिले तो भी अच्छा, हम कभी बुरा नहीं मानते। और कुछ यात्रु थे जो अभी वापस आ रहे थे, जाने की संख्या बहुत कम थी, और उसी चक्कर में मैं इन घोड़े वालों से मिलता हूँ और वो पूछता हूँ भाई कितना प्राइस है भाई ऊपर जाने का, नीचे आने का, पालकी का, सबका प्राइस पूछता हूँ। और ये मुझ को बताते हैं कि भाई जो घोड़े का है वो 1250 प्राइस है, और मतलब साढ़े ऊपर जाने का 1250 प्राइस, 1250। ये ऑफ सीज़न में भी कम घट ज़्यादा कम होता रहता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा 1400 अगर आप मतलब सीज़न में आते, जैसे जून जुलाई में जब आप आओगे तो 1400 जो पालकी का किराया रहेगा वो रहेगा भाई 3200 के करीब, 3200-3300 के करीब। और इसके बाद मैं पहुंच जाता हूँ भाई बाणगंगा में। बाणगंगा वही जगह है जहाँ पे श्री माता वैष्णो देवी ने अपने बाल धोए थे। कहा जाता है कि माता वैष्णो देवी ने यहाँ पे अपने मतलब तीर मार के तो यहाँ पे बाल धोए थे, पानी धरती से निकाला था। तो भाई बहुत ही बढ़िया जगह, अगर आप यहाँ पे आ रहे हो तो नीचे जाना ज़रूर। इस वक्त यहाँ पे पानी की कमी है बिकॉज ऑफ सूखा पड़ा हुआ था, बट सर मतलब गर्मियों में यहाँ पे काफ़ी बारिश होती है तो ये भाई फुल हो जाती है नदी। इसके बाद मैं फिर से आगे निकल जाता हूँ। और भाई घोड़ों से थोड़ा बच के रहना, मैंने सोचा था कि मैं जनवरी में आऊँगा बट मैं आ नहीं पाया बिकॉज ऑफ मैं कहीं और था। तो अब बारी होती है भाई जो सबसे मुश्किल पड़ाव, मुझे सबसे ज़्यादा पसंद सीढ़ियाँ हैं। अगर आपको सीढ़ियाँ ना पसंद हो तो आप पैदल रास्ता भी ले सकते हो, बट मुझे सीढ़ियाँ पसंद हैं तो मैंने भाई सीढ़ियाँ प्रेफर की हैं। इसके बाद मैं लेने वाला हूँ भाई सीढ़ियाँ जो लगभग 326 हैं। तो ये रही भाई मेरी पहली सीढ़ियाँ। और भाई सीढ़ियों से जाना मुझे इसलिए पसंद है क्योंकि सीढ़ियों से थोड़ा रास्ता भी शॉर्ट हो जाता है। भाई मैं कोशिश करता हूँ कि ऑलवेज मैं सीढ़ियाँ प्रेफर करूँ, अगर आप में दम हो तो आप सीढ़ियाँ लो वरना ना लो। बट मैं काफ़ी टाइम के बाद आ रहा था तो भाई थोड़ी सी सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद ही
मेरी जो है वो मतलब कि टाई टाई फिस हो जाती है, पर चलो कोई बात नहीं, जो सीढ़ियाँ थी वो मैंने चढ़ ली है और मैं आ चुका हूँ फिर से अब ऊपर। ऊपर मतलब काफी ऊपर पहुंचने वाला हूँ, खत्म कर ली मैंने सीढ़ियाँ। ये देखो आपका भाई, भाई सीढ़ियाँ खत्म करने में सबसे माहिर है। मेरे को सीढ़ियाँ पसंद, और भाई सफर में जो सबसे ज़्यादा साथ दिया है वो मेरा दिया था भाई पसीने ने और इस टॉफ़ी ने, ये दोनों मेरे साथ, क्योंकि मैं अकेले ट्रैवल करता हूँ तो पसीना और टॉफ़ी ऑलवेज मेरे साथ ही रहते हैं। ये सीढ़ियाँ ख़त्म की ही थी और भाई आगे आ गई और सीढ़ी, ये देख रहे हो आप, ये सीढ़ियाँ और आ चुकी हैं और भाई जा रहे हैं फिर से सीढ़ियाँ चढ़ेंगे। ये लगभग होगी कोई पता नहीं कितनी सीढ़ियाँ थी, मैंने ध्यान नहीं दिया था, रुको अभी बताता हूँ मैं आपको। ये सीढ़ियाँ थी, मैंने नोट करके रखा हुआ भाई, ऐसी बात नहीं है, ये थी लगभग कोई 163 सीढ़ियाँ। इसे चढ़ना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं थी, बट बड़ी बात यही थी कि भाई मुझे ये एकदम खड़ी चढ़ाई, खड़ी सीढ़ी जानते हैं, मतलब बिल्कुल ऊपर की तरफ, तो भाई और मुश्किल हो रही थी मेरे लिए चढ़ना, बट कोई बात नहीं, मैंने ये भी ख़त्म कर ही लेनी है यार, आपका भाई किसी से डरता थोड़ी ना है। और जैसे ये ख़त्म की थी साथ में मेरी भाई 326 सीढ़ी और आ गई, और भाई मेरा दिमाग फिर से ख़राब हो गया। मैंने कहा भाई 326 नहीं 360 सीढ़ी हैं, बट कोई बात नहीं भाई, मैं चढ़ने में ऑलवेज माहिर हूँ भाई, आई एम अ ट्रैकर यू नो। मैंने लास्ट ईयर बहुत ज़्यादा यात्रा की थी तो मेरे पास काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है भाई यात्रा का, तो मुझे टेंशन लेने की कोई नीड नहीं है, बस मेरी टांगों को लेने की नीड है। यू नो टांगे कभी कभी साथ नहीं देती हैं भाई, बोलती हैं भाई थोड़ा रेस्ट कर ले, बट भाई अभी यहाँ पे ना सूरज ढलना भी शुरू हो गया था, इसी के साथ हम भी भाई चलना शुरू हो गए, सूरज ढल रहा और हम चल रहे। बस थोड़ी देर में मैंने भाई ये वाली 326 पौड़ियाँ भी मैंने चढ़ ली। पौड़ियाँ मतलब हमारी डोगरी में पौड़ियाँ बोली जाती हैं, बट हिंदी में बोले तो मैंने चढ़ ली भाई, आपके भाई ने चढ़ाई कर ली। और इसके बाद जो आने वाली सीढ़ियाँ थी भाई वो थी 526, सोच सकते हो 526 सीढ़ियाँ हैं इसके बाद। भाई दिमाग एकदम सुन्न पड़ गया, 526 अभी तक जो सीढ़ियाँ मैंने देखी 526 में, चलो कोई बात नहीं। और इसे देख के मेरा पसीना टाइट हो रहा था, बट मैंने कहा नहीं हम चढ़ेंगे, तो इसी के साथ हमने चढ़ाई शुरू कर दी। और यहाँ पे मिले एक छोटी सी बच्ची जो भाई पैसे मांग रही थी, बट मेरे पास थे नहीं एक्स्ट्रा तो मैंने नहीं दिए। इसी के साथ मैं आगे निकल पड़ा और ये सीढ़ियाँ भी ख़त्म होने को आ चुकी हैं भाई, आ चुकी है ना, मैं देख रहा हूँ आ चुकी हैं और ये सीढ़ियाँ भी ख़त्म होने को आ चुकी हैं। तो भाई अगर इसके बाद आप रेस्ट लेना चाहो तो आप ले सकते हो भाई, काफ़ी लंबी सीढ़ियाँ थी मैंने नहीं ली, मैं निकल पड़ा आगे की तरफ, क्योंकि यू नो मुझे और ज़्यादा मज़ा करना। और इसके बाद 526 के बाद आई 126 सीढ़ी, मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, जहाँ 526 चढ़ ली तो ये क्या चीज़ है, हम 126 सीढ़ियों की चढ़ाई भी कर लेंगे। तो हम निकल गए भाई 126 सीढ़ियों की चढ़ाई करने के लिए। तो भाई ये चढ़ाई करने के बाद मैं पहुँच जाता हूँ जहाँ पर मुझे थोड़ा रश वश मिलता है, और भाई कुछ आ रहे थे कुछ जा रहे थे, बट भाई चढ़ाई करने का मज़ा जो है ना वो अकेले में ही है। अगर आपके साथ कोई हो ना तो भाई बंदा सोचता है कि भाई चल थोड़ी रेस्ट कर ले, बट अकेले में इंसान कभी रेस्ट नहीं करता। और मैं भाई आगे चलते रहता हूँ, कुछ खूबसूरत चेहरों के साथ सफ़र आगे बढ़ता रहता है। चलो हम भी चलते रहेंगे। और भाई जैसे मैं यहाँ पे पहुँचता हूँ तो ये आदमी मुझे मिल जाता है जो भाई ढोल पे नाचना चाहता था, मैंने कहा मैं भी इसके साथ नाच लूँ, बट नहीं भाई इसके पार्टनर्स ही काफ़ी थे, तो मैं इनको देखते रहता हूँ भाई ये कब तक नाचते हैं, ये थोड़ी देर नाचते हैं मज़े करते हैं, और भाई मैं भी इनके साथ मज़ा करने लग पड़ता हूँ। और भाई मुझे काफ़ी मज़ा आता है इनको देखते हुए, बट मैं अकेला था तो मैंने सोचा कि मैं चलो यार अरुण खाली देख के ही मन भर ले और आगे निकल ले, बट इनको देखते ही मैं भाई थोड़ा सा उदास हुआ कि मैं नाच नहीं पाया, बट चलो कोई बात नहीं,
मैं आगे निकल पड़ता हूँ, और जैसे ही आगे निकलता हूँ भाई, आगे निकलते ही मुझे मिल जाती है 271 स्टेयर्स। सो सकते आप इन सीढ़ियों को अवॉइड कर सकते हो भाई, अगर अवॉइड करना करोगे तो अच्छी बात है, बिकॉज ऑफ भाई ये सीढ़ियाँ एकदम मतलब खड़ी चढ़ाई होती है ना, खड़े मतलब एकदम स्ट्रेट वाली वैसी सीढ़ियाँ आती हैं थोड़ी देर बाद। ये देखो मैं आपको दिखाता हूँ अभी भाई, चल भाई अरुण दिखा सबको सीढ़ी ये कैसी है, तो कैसी है ये देखो ऐसी है एकदम खड़ी चढ़ाई देख रहे हो आप, मतलब कि आपके टांगे भी दुख सकती है अगर आप मतलब देख लेना अपने हिसाब से। तो जैसे ये सीढ़ियाँ चढ़ता हो उसके बाद फिर से ये वाली सीढ़ियाँ आ जाती हैं भाई, 270 मतलब 116 सीढ़ियाँ, 116 सीढ़ियाँ। इसको तो मैंने ऐसे ही चढ़ लिया भाई, मतलब आप सोच सकते हो ऐसे ही। और भाई यहाँ पे आ जाता है माता वैष्णो देवी का भाई सनसेट पॉइंट, और यहाँ से जो सनसेट दिख रहा था ना, आए हाय इसका नज़ारा तो प्लीज़ मिस मत करिएगा अगर आप शाम को चढ़ते हो। उसके भाई मुझे मिल जाते हैं भाई ये मन्नत वाले भाई, इन्होंने मन्नत मांगी होती है इसकी वजह से ये भाई ऐसे जा रहे हैं। और भाई इसके बाद मैं चेक पोस्ट में चेकिंग करवाने के बाद थोड़ी आगे बढ़ता हूँ, बढ़ते हुए ही भाई अपना आ जाता है अर्धकुंवारी का भाई व्यू पॉइंट। और भाई अगर जैसे आप अर्धकुंवारी पहुंचते हो तो इस व्यू पॉइंट को बिल्कुल मिस मत कीजिएगा, क्योंकि ये काफ़ी अच्छा व्यू पॉइंट है, यहाँ पे काफ़ी लोग खड़े रहते हैं। और भाई थोड़ी सी सेल्फीज लेने के बाद मैं निकल पड़ता हूँ फिर से आगे के लिए। और ये देखो जब मैं आगे निकलता हूँ तो थोड़ी थोड़ी ना रात होना शुरू हो जाती है, तो मैंने सोचा कि भाई क्यों ना जल्दी से जल्दी अर्धकुंवारी पहुँचा जाए। अर्धकुंवारी का नज़ारा देखो भाई, क्या ही नज़ारा हो चुका है, शाम के टाइम पे सूरज ढल चुका है। और भाई जब भी आप अर्धकुंवारी आओ तो भाई गर्भजून के दर्शन किए बिना कभी भी मत जाइएगा। और भाई आपका भाई पहुंच चुका है अर्धकुंवारी, पीछे देखा आपने थोड़ा सा अंधेरा, जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे मतलब आपको थोड़ा लगेगा कि भाई नहीं अभी भी सूरज ढला नहीं है। तो जैसे ही आप अर्धकुंवारी पहुंचोगे सबसे पहले यहाँ पे सुकून से बैठकर आपने जो करना है वो देखना है यहाँ का नज़ारा। जैसे मैं बैठने के लिए जगह ढूंढ रहा, मैंने सोचा कोई आया नहीं है, बट यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी, तो मैंने सोचा कि नहीं भाई इतने ज़्यादा लोग आए हैं तो क्यों ना थोड़ा और इन्जॉय किया जाए। इन्जॉय करने के बाद ये देखो भाई, ये देखो नज़ारा, नज़ारा देखने के बाद मैं देखता हूँ भाई थोड़ा जूम करके देखे गुफा दिख सकती है, बट मुझे गुफा नहीं दिखी। और मैं निकल जाता हूँ भाई यात्रा की पर्ची बनाने के लिए। यात्रा पर्ची मतलब जो ये गर्भजून की गुफा है इसमें आप मतलब बहुत रेयर चांस है कि आपको जाते ही जाने देंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसके लिए आपको पर्ची बनानी पड़ेगी, पर्ची बना के देन आपको भाई वेट करना है कि आप ऊपर से यात्रा करके आओ। अगर आप यात्रा करके आओ तो शायद चांस है कि आपको दर्शन करने को मिल जाएंगे। तो मैंने भी पर्ची बनाई और भाई मैं निकल जाता हूँ आगे के रास्ते के लिए। और भाई आगे का रास्ता जो है वो भाई दो हिस्सों में बटा हुआ है, एक ये वाला रास्ता और एक भाई प्लेन वाला रास्ता। ये वाले रास्ते में काफ़ी ज़्यादा सीढ़ियाँ हैं और भाई एकदम खड़ी चढ़ाई होने के कारण मैं नहीं जाता हूँ यहाँ से, मैं जाता हूँ दूसरे रास्ते से जो मतलब अर्धकुंवारी में ही अलग हो जाता है और जाके सीधे भवन के साथ ही मिलता है। तो भाई मैं घुस जाता हूँ फिर सीधे के सीधे टनल के अंदर। भाई ये जा रहा है आपका भाई टनल के अंदर, देख रहे हो आप भाई टनल के अंदर पहुंचते ही मैं देखता हूं कि मेरे आसपास तो कोई भी नहीं है, सारे लोग दूसरे रास्ते से ही जा रहे हैं क्या। और बाहर पहुंचते ही देखा मैंने कि भाई मेरे आसपास कोई भी नहीं है। और ये देखो कटरा के शहर का नज़ारा, नज़ारा देखने के बाद भाई मैं थोड़ा खुश हो जाता हूँ कि भाई रास्ता इतना साफ़ है, टाइल वाइल डल गई है, आसपास कोई भी नहीं है। खुशी मुँह पर देख रहे हो आप कैसी आ रही है भाई। और भाई जो नज़ारे ज़िंदगी के मैं लूट रहा था वो कोई भी नहीं लूट रहा था। और भाई इसके बाद हम निकल पड़ते हैं फिर से आगे की तरफ, और आगे जाने का जो रास्ता है वो ये देखो, यहाँ से लगभग 6 से 7 किलोमीटर भवन की दूरी है, और कुछ लोग मुझे यहीं से वापस आते हुए भी दिख रहे थे। और मैं आगे जाते हुए बढ़ते 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 फिर से यात्रा की शुरुआत कर दी मैंने, बट मैंने कहीं पर भी रेस्ट नहीं ली। मेरा ये आपको सजेशन है कि आप रेस्ट ले लिया करो। ठंड हो रही थी तो मैंने सोचा कि भाई क्यों ना थोड़ी कॉफ़ी पी जाए, मतलब रास्ते में चलते हुए आपको ठंड नहीं लगेगी, बट टॉफ़ीज़ खा खा के मैं बोर हो चुका था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं भाई कॉफ़ी पी लूँ। तो
कॉफ़ी 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 कॉफ़ी, कोई अच्छी सी शॉप नहीं मिल रही है भाई, कॉफ़ी कहाँ से ली जाए। देखते हैं और उसी वक्त मुझे दिख गई भाई भैया की शॉप। भैया ने मुझे पूछा कि भाई कौन सी लोगे भाई, एस्प्रेसो लोगे या कैपेचिनो लोगे। मैंने बोला भाई कैपेचिनो बना दो एक स्ट्रॉन्ग सी कॉफ़ी मेरे लिए। और भैया ने मुझे कहा भाई कैपेचिनो स्ट्रॉन्ग ही होती है। यहाँ से कप लेके कॉफ़ी की चुस्कियाँ लेते हुए भाई मैं निकल जाता हूँ आगे की तरफ। आगे मिल जाते हैं मुझे भाई ये भाई, भाई मुझसे पूछते हैं भाई आप क्या काम करते हो, ब्लॉग्स बनाते हो कि नहीं। बट मैंने कहा कि नहीं छोड़ो यार, क्या बताऊँ अपने बीती हालत भाई। और मेरा गला भी थोड़ा ख़राब हो रखा था यहाँ पे, बिकॉज ऑफ ठंड के कारण यू नो सर्दी हो जाती है, गला ख़राब हो जाता है। तो भाई अपने साथ ही थे, यहाँ से मैंने करवाई अपनी चेकिंग। चेकिंग करवाते ही मैं निकल गया आगे भाई हिमकोटी पर्वत की तरफ। तो हिमकोटी पर्वत में मुझे मिला भाई ये भाई। तो ये भाई भी मेरे से पूछते हैं कि भाई आप ब्लॉग बनाते हो, मैंने कहा हाँ। तो ये मेरे चैनल का नाम पूछते हैं और हम इनके साथ ही भाई आगे की यात्रा शुरू करते हैं। जयकारा लगाने के बाद ये भाई मेरे साथ चल पड़ता है, बोलता है भाई मैं आपके साथ सफ़र करूंगा। तो मैंने कहा ठीक है भाई मेरे साथ चल पड़, भाई कोई बात नहीं अगर मेरी स्पीड मैच कर सकता है। यू नो मैं यात्रा के टाइम पे बहुत कम रुकता हूँ, बहुत कम रेस्ट लेता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि चलते रहने से मुझे और ज़्यादा एनर्जी मिलती है। यहाँ से 3 किलोमीटर दूर रह जाती है भाई, मतलब 3 किलोमीटर दूर दर्शन। और मैं भाई जैसे यहाँ पे पहुँचता हूँ और मुझे दिख जाता है भाई भवन। भवन देखने के बाद जो खुशी मुझे आई शायद ही किसी को आई होगी। और जो भाई मेरे साथ था वो भाई पीछे रह गया, क्योंकि वो बोलता भाई कि आप चलो, आप बहुत तेज़ चलते हो भाई, इतनी तेज़ हम नहीं चल सकते। वो अपने साथियों के साथ आया हुआ था। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, दर्शन ख़त्म मतलब दर्शन कर ही लूँगा मैं, कम आधे घंटे में दर्शन कर लूँगा। बट नहीं, मैंने कहा चलो अब आगे चलते हैं। ये देखो भाई कुछ जगह आगे ऐसी भी आने वाली है जिस जगह को आपको अवॉइड करना है बैठने से, क्योंकि यहाँ पे सख्त मना किया जाता है कि भाई यहाँ पे नहीं रुकना। और भवन रह जाता है कि 750 मीटर। और ये जगह जो आप देख रहे हो यहाँ पे तो कभी भी मत रुकना, बिकॉज ऑफ यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लैंडस्लाइड प्रोन एरिया है। देखो वहाँ पे लिखा भी हुआ है कि भाई यहाँ पे नहीं रुकना, रे नहीं रुकना। और भाई मैं चल पड़ता हूँ आगे की तरफ। ये देखो ऐसी कुछ जगह भी है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे नहीं रुकना, मतलब बिल्कुल भी नहीं रुकना, क्योंकि भाई पत्थर आने के बहुत ज़्यादा चांस रहते हैं। और यूँ मेरा नाक थोड़ा बंद है तो भाई साउंड के साथ थोड़ा एडजस्ट कर लेना। और कुछ आपको ऐसे ऑटोज़ मिलेंगे बैटरी वाले, जिससे जिसको आप मतलब भवन से बुक करवा सकते हो, ये आपको सीधे नीचे छोड़ेंगे। इसका प्राइस मुझे मालूम नहीं है क्योंकि मैं पूछ नहीं पाया, बट हाँ आप ऑनलाइन सर्च कर सकते हो, इनके प्राइस आपको मिल जाएंगे। और भाई यहाँ पे ये गाड़ी वाला मुझे ठोकने वाला था, बट कोई बात नहीं, भवन दिख चुका है, अब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि अब सिर्फ ढलान है। और यहाँ से सामने भवन दिख रहा था, भवन देख के जो खुशी मुझे हुई ना उसका तो कोई जवाब नहीं। अब बारी आती है भाई प्रसाद लेने की, मुझे लेना था प्रसाद। भाई ऐसा लग रहा है कि मैं न सिर्फ नाक के साथ बोल रहा हूँ, मुंह के साथ नहीं, मुझे बड़ा अजीब लग रहा था, बट कोई बात नहीं यार। यहाँ पे ना मेरा एकदम नाक सुन्न पड़ गया था, इतनी ज़्यादा ठंड हो गई थी ऊपर। तो जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता हूँ भाई टाइम आ जाता है भाई प्रसाद लेने का। पीछे देख रहे हो यहाँ से आप ले सकते हो 50 से 100 रुपये में। जैसे ही मैं आगे निकलता हूँ मैं पूछता हूँ भाई क्या प्राइस है, तो उन्होंने मुझे बताया और मैंने प्रसाद लिया और मैं निकल गया भाई आगे की तरफ। आगे जाते हुए मुझे कुछ लोग और मिलते हैं जो मुझसे पूछते हैं, बट मैं उनको बता के आगे निकल जाता हूँ। उस वो पार्ट मैं ज़्यादातर डालता नहीं हूँ कि जब लोग मुझसे पूछते हैं, तो मैं फिर से आगे की तरफ निकलता था। अब बारी थी भाई लॉकर रूम ढूंढने की। लॉकर रूम यहाँ से थोड़ी आगे, जैसे भवन से मतलब लगभग 200-300 मीटर पहले आपको फर्स्ट लॉकर रूम मिलेगा। तो
और जैसे ही मैं आगे आगे बढ़ते जाता हूँ, मैं देखता हूँ कि भाई मतलब माता वैष्णो देवी के दरबार में आरती भी शुरू हो चुकी है। आरती का टाइम जो रहता है भाई वो 7 से 8 बजे के बीच में रहता है, और जो सुबह का टाइम रहता है वो 6 से 7 बजे के बीच में रहता है। तो मैं थोड़ा लेट हो चुका था क्योंकि अभी भाई 7 बजे ही थे। अगर मैं यहाँ पर मतलब आधा घंटा पहले पहुँच जाता तो भाई मैं सीधे आरती सुन सकता था, वो भी अंदर बैठ कर। पर भाई अपनी किस्मत में नहीं था, तो मैं सीढ़ियाँ उतरता हूँ और भाई चल पड़ता हूँ लॉकर रूम की तरफ। और लॉकर रूम पहुँचने में मुझे लगे लगभग कोई 2 से 3 मिनट। और यहाँ से भाई सीधे जो ये देख रहे हो, ये आ गया हमारा फर्स्ट लॉकर रूम। अब मुझे ढूंढना था कोई अच्छा सा लॉकर, और भाई आपको लॉक्स अंदर ही अवेलेबल हो जाएंगे। और लॉक बंद करने के बाद मैं चले जाता हूँ भाई सीधे दर्शन करने के लिए। दर्शन करके आ गया मैं वापस। यहाँ से भाई रहती है भैरव घाटी, वो है सिर्फ और सिर्फ 2 से 2.5 किलोमीटर। कुछ लोग भाई भैरव घाटी अवॉइड कर देते हैं, बट प्लीज़ अवॉइड मत कीजिएगा, भैरव घाटी ज़रूर जाइए करेगा, तभी आपकी यात्रा सफल होती है। भाई मैंने इस बार सोचा था कि मैं भाई जो भैरव घाटी की यात्रा है वो मैं करूँगा रोप वे से, बट रोप वे बंद हो चुकी थी भाई, और वो सुबह 8 बजे खुलेगी। तो मैंने सोचा कि चलो भाई क्यों ना इस बार भाई पैदल ही चला जाए। मैं हर बार पैदल ही जाता था, वो भी सीढ़ियों से, बट इस बार मैंने सोचा था कि मैं रोपवे से जाऊंगा। मैं नहीं जा पाया, मेरी किस्मत में नहीं था। तो मैं चल पड़ता हूँ भाई फिर से अपनी पैदल यात्रा के लिए। भूख भी लगी थी बट मैंने सुबह से कुछ खाया नहीं था। मैंने सोचा कि नहीं भाई अब मैं भैरव घाटी दर्शन करके ही खाऊंगा। ये अपनी अपनी मान्यता होती है भाई, आपका मन हो या ना हो, तो आपका मन हो तो आप खा भी सकते हो, नहीं हो तो खा भी सकते हो। बट भवन यहाँ से सिर्फ और सिर्फ 2 किलोमीटर दूर है। तो भाई मैं क्या करता हूँ, मैं फिर से सीढ़ियाँ लेता हूँ और पहुँच जाता हूँ सीधे भवन के पास। भवन के पास पहुँच के दर्शन करके और भाई यहाँ पे थोड़ा बहुत घूम के सेल्फीज़ वगैरह लेके, ये देखो रात को क्या नज़ारा दिखता है भाई, ऊपर से इतना अच्छा नज़ारा दिखता है ना, मैं आपको बता नहीं सकता भाई कितना अच्छा नज़ारा है भाई यहाँ का। दिल को सुकून मिलता है भाई यहाँ पे थोड़ी सी रेस्ट करने के बाद। ज़्यादा नहीं, मैंने कोई 10 मिनट रेस्ट की थी, क्योंकि भाई रात को 12 बजे तक गर्भजून जो है वो बंद हो जाती है। मुझे 12 बजे से पहले पहले नीचे पहुँचना था, क्योंकि अगर मैं नीचे 12 बजे तक नहीं पहुँचूंगा तो भाई फिर बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि यू नो 12 बजे के बाद गुफा बंद हो जाती है और फिर वो सुबह 4 बजे खुलती है। तो मैं यहाँ से सीढ़ी उतरता हूँ और भाई पहुँच जाता हूँ, पहुँच नहीं जाता मतलब कि चल पड़ता हूँ भाई सीधे के सीधे अर्धकुंवारी की तरफ। और अर्धकुंवारी पे मुझे पहुँचने में लगे थे कम से कम भी आई थिंक 1 से 1.5 घंटा जो मुझे लगा था, वो लगा था अर्धकुंवारी पहुँचने के लिए। और भाई फ़ोन चार्ज करने के बाद मैं निकल पड़ता हूँ भाई नीचे की तरफ अपनी नेक्स्ट यात्रा का आरंभ करने के लिए। यहाँ से वैष्णो देवी माता को बाय बाय बोल के मैं चल पड़ता हूँ भाई नीचे की तरफ। सो गाइस फाइनली यात्रा हो चुकी है ख़त्म। कैमरा मेरा यहीं पे जब्त हो गया था, जब्त इन द सेंस ले लिया था, तो क्या करता सारा फ़ोन से शूट किया। आई नो वीडियो क्वालिटी थोड़ी ख़राब हो चुकी होगी, तो उसके लिए कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना। और होटल्स का बता रहा हूँ 500 से 1000 रुपीज़ ये रेट चेंज होते रहते हैं, ठीक है। और पोनीस का इस वक्त चल रहा है जो 1250 रुपये श्री माता वैष्णो देवी तक नीचे से ऊपर तक, वो भी चेंज होते रहते हैं। और पालकी का है वो 3150 चल रहा है इस वक्त, जिस वक्त मैं आया हूँ, ऑफ सीज़न है इस वक्त, मतलब 200-300 ज़्यादा और बढ़ जाता है, इससे ज़्यादा नहीं होता। और भाई जो मेरी नेक्स्ट यात्रा है वो शिवकोड़ी की होने वाली है, तो प्लीज़ भाई उस यात्रा को भी पूरी देखना और सपोर्ट करना मुझे भाई। कमेंट में जय माता दी ज़रूर बोलना। मिलते हैं भाई आपको अपनी नेक्स्ट यात्रा में।